बाहर बहुत बारिश थी। मैं कमरे में पहुंच चुका था। खिड़की से बारिश की छींटे अंदर आ रही थी। कौन रहता है या रहने वाला कब का चला गया था, लापता था। और मैं उसकी सोच में उसकी चीज़ें देख रहा था। कुर्सी पर डंबल्स पड़े हैं, टेबल पर कुछ किताबें पड़ी हैं, हाँ एक नोटबुक भी है। क्या लिखा है इसमें, कहाँ गया है वो? यही तो एक कहानी, एक लड़का है जिसे फिल्में बहुत पसंद है, सोचता है कि उसकी लाइफ भी एक फिल्म की तरह ही है। कहानी तो मैं लिख रहा हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं। तो देखो, बात बहुत सिंपल है। आज मैं गया था कॉलेज। नहीं नहीं, आज कोई क्लास नहीं है और ना ही कोई एग्ज़ाम है, बस दिल गया था। अब चूंकि डाकू भैया भी कॉलेज जा रहे हैं तो सोचा मिलना भी हो जाएगा। तो देखो भैया, कॉलेज जाते ही दो अलग अलग तरह के ग्रुप बनते हैं। एक होते हैं फ्रंट बेंचर और दूसरे होते हैं बैक बेंचर, और मिडल वाले वो किसी के नहीं होते। जहाँ साफ शरीफ फ्रंट बेंचर्स की टीचर से जमती है, वही नालायक निकम में बैक बेंचर्स की बाकी सबसे, जैसे कि लेजिस्टेंट, वॉचमैन, प्यून, ये हुए हमारे दोस्त। साफ शक्ल की शरीफ निशानियों में गौर से देखो तो खामोश हरामी हुए। ये है विल्सन सर, हमारे लैब असिस्टेंट, और इनसे ना मेरी और डाकू की अलग ही बॉन्डिंग है। प्रैक्टिकल में हमें चिढ़ाएंगे, मैम से हमारी कंप्लेंट कर देंगे, और जेरॉक्स निकालने के काम ये हमें दे देंगे। अगर कॉलेज के लास्ट दिनों में इनसे ना मिले तो कलंक के कॉलेज लैब की यादों पर। तो ये है हमारी लैब की हालत। सच में भैया, 3 में से 2 साल तो हमने यही पढ़ के गुजारे, पर अब जो नए लौंडे आएंगे उनके लिए नई लैब बन रही है। अब लैब का काम चल रहा है और डाकू भैया ने अपना दिमाग नहीं लगाया तो वो डाकू भैया कैसे? सुनो, मैं जाकिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी एक बात मुझे बिल्कुल सही लगती है कि मजे जो होते हैं ना वो जगह से नहीं आते, वो आते हैं लोगों से। और ये जो कॉलेज में सुना सुनापन दिख रहा है, यहाँ साफ साफ दोस्तों का खालीपन महसूस हो रहा है। तो चलो, मैं तुम्हें एक और जगह लेके चलता हूँ, हमारी चाय का अड्डा। और ये है हमारे चाय वाले भैया। कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद हमारी चाय से ना आपको यही मिलेंगी। ये है हमारे जगताप सर, फिजिक्स के लैब असिस्टेंट। तो देखो, कॉलेज के फर्स्ट दिन में, फर्स्ट प्रैक्टिकल में मेरी इनसे तू तुम्हें मैं हूँ, लेकिन उसके बाद इनसे ऐसी पहचान बनी कि अगर मैं उनसे नहीं मिलूँगा तो मुझे सच में बुरा लगेगा। तो भैया, कहानी ये नहीं कि मैं आज कॉलेज गया था, कहानी ये है कि आज कॉलेज कॉलेज नहीं लग रहा था। समझे? नहीं समझे? रुको, एक इमोशनल टून के साथ समझा। तो अब धीरे धीरे एक म्यूजिक आ रहा है और अब जगह वही है पर लोग नहीं है। पता है, कभी कभी लोगों का ना होना दर्द नहीं देता, पर उस जगह पर लोगों की यादों का होना ज्यादा दर्द देता है। कॉलेज ये एक ऐसी जगह है जहां अनजान लोग मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि साथ में कैसे वक्त निकल जाता है। कोई साथ रहता है तो कोई दूर चला जाता है। टू ऑल माई बडीज वर लिविंग देयर स्कूल लाइफ, जियो, दोस्त बनाओ, मोमेंट बनाओ, मेमोरीज बनाओ, क्योंकि आगे यही बातें तो याद आएंगी। एक्सक्यूज मी, आप कौन?
वही जिसकी बुक आप पढ़ रहे हो। हाय मैं पिंडे। साजा लगाया कहानी को तड़का, ये तो मासूम सा किस्सा था। ओके गाइस, इससे तो ऐसा होने का नाम दोस्त के नाम। हेलो हेलो, सरकार की है इंक्वायरी, गाड़ी चला रहा किसी ने था कि तुम कहां थी, कहीं राज मुझसे छुपाती तो। हेलो गाइस, बाय बाय जी, तकलीफ के लिए माफ़ करो। नो प्रॉब्लम जी, आया हूँ इंक्वायरी पे जी, बस ऐसे ही सरकारी ड्यूटी जी। खैरियत? परेशानी की कोई बात नहीं। चलो गुड, कुछ रस्मी सवाल।